अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद आप लोगों को पाकिस्तानी फूड में। आज मैं चिकन मसाला करी बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने ये सारी चीज़ें ली। एक किलो चिकन ली है, 3 बड़े साइज की प्याज लेके इस तरह काट लिया है, 4 मैंने मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं, और 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, और 4 टेबल स्पून मैंने दही ली, 1 टी स्पून किसी भी लाल मिर्चें हैं, 3 टी स्पून धनिया पाउडर है, 1 टी स्पून हल्दी है, 1/2 टीस्पून नमक है, आप लोग हसबे जायका ले सकते हैं, 3 मैंने तेज पत्ता लिया है, 1/2 टीस्पून गरम मसाला है, 1 टीस्पून जीरा पाउडर है, और हरा धनिया लिया है, दही, लहसुन अदरक का पेस्ट, और ये सारे मसाले हम चिकन में मिक्स कर लेंगे। गरम कर लिया है और अब हम ये प्याज ऐड कर रहे हैं। अब हम टमाटर डाल रहे हैं इसमें। टमाटर गल जाएंगे तो फिर हम इसे पीस लेंगे, प्याज और टमाटर को। टमाटर और प्याज को अब हम पीस लेंगे। तेल दोबारा गर्म हो गया है, इसमें हम तेज पत्ता डाल रहे हैं। ये प्याज और टमाटर जो हमने पीसा था, इसे अब ऐड कर रहे हैं। इसे हम थोड़ा सा भून लेंगे। अब ये चिकन ऐड करेंगे। एक कप पानी ऐड करेंगे। इसे ढक देंगे और इसको हल्की आंच पे छोड़ देंगे ताकि चिकन गल जाए। चिकन गल गई है, अब हम इसे भून लेंगे। अब हम इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे। चिकन मसाला करी तैयार हो गई है, अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। चिकन मसाला करी तैयार हो गई है। अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, पाकिस्तानी फूड को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।